नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सॉफ्ट डिजाइन पर आधारित एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने वाले हैं जो जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। तो मुझे उम्मीद है इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं उसको मतलब फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, मतलब आगे निकाल निकाल के देखते हैं। तो जो भी मैं बोलता हूं वह नहीं सुनते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि समझ में नहीं आया। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे, और जो भी मैं बोलता हूं उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। चलते हैं आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, डिजाइन अ होलो शाफ्ट फॉर ट्रांसमिटिंग 20 किलोवाट। किलोवाट लिखा मतलब पावर दी गई है, एट 200 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब कैपिटल एन स्पीड दी गई है, टेक सियर स्ट्रेस मतलब टाउ की वैल्यू दी गई है 40 MPa, आगे यानी डायमीटर रेशो दिया है 1:2। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, वो भी थोड़ी लेंथी है। तो मैं यहां पर इसको जो भी डायमीटर निकालना है वो निकाल के दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितना क्वेश्चन इजी था। तो चलते सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझने के बाद हमें जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करना है। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको हम नोट करेंगे और ध्यान से देखते जाएं। यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले पावर दी गई है, तो P=2 हम सिंबल यूज कर रहे हैं, 20 किलोवाट। अब जो किलोवाट दी है हमने हमेशा बताया कभी भी किलो दिया हुआ तो उसको हम चेंज करेंगे, सिर्फ वाट रह जाएगा। के को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है उसको रख लेंगे और 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए क्या बन जाएगा, वाट बन जाएगा। आगे स्पीड दी है, स्पीड को हम कैपिटल एन से डॉटेड करते हैं, तो 200 दी गई है रिवॉल्यूशन पर मिनट RPM। फिर सियर स्ट्रेस दी है, सियर स्ट्रेस को हम टाउ से डॉटेड करते हैं, तो 40 MPa वैल्यू दी है, और मेगा पास्कल को हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे। मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करने के लिए जो वैल्यू दी जाती है उसी को हम लिख देते हैं, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायमीटर रेशो दिया, डायमीटर रेशो जो रहता है वह हम हमेशा रेशो पहले इंटरनल डायमीटर आता है, फिर नीचे क्या आता है, एक्सटर्नल डायमीटर आता है। इस रेशो को आप याद कर लें, और जो आगे इसको जो दिया है कितना दिया, 1:2 दिया है। अगर 1 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा अगर हम 1 में 2 का भाग देंगे। और इस रेशो को हम अगर हम कैलकुलेशन में देखेंगे, जो भी डेरिवेशन वगैरह देखेंगे, हम कैसे डॉट करते हैं इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं कि इसको हम क्या मानेंगे कि जो के की वैल्यू दी गई है कितनी है, 0.5 दी गई है। क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। 1 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। और जो K=2 जो रेशो होता हुआ क्या होता है, इंटरनल डायमीटर अपॉन एक्सटर्नल डायमीटर। आई क्या है, इंटरनल डायमीटर, ओ जो बना हुआ हुआ है क्या है, जो बाहरी डायमीटर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो भी रेशो दिया रहता हुआ क्या होता है, इंटरनल डायमीटर बटे जो हमारा एक्सटर्नल डायमीटर। और इसी रेशो को हम कैसे डॉट करते हैं, कैसे क्यों करते हैं, अभी मैं बताऊंगा। अब यहां पर डिजाइन करना है, डिजाइन करने का मतलब होता है जो इंटरनल डायमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर है इसको हमें निकालना है। अब इंटरनल एक्सटर्नल कई बुकों में कैपिटल डी और स्मॉल डी से भी दिया गया है, कई बुकों में D1 और D2 से भी दिया गया है। यहां पर मैंने आई और ओ का यूज कर लिया जिससे आपको पता रहा है कि इंटरनल और आउटर डायमीटर की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ देखिए। अब ये निकालना सब कुछ पता चल गया, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह की न्यूमेरिकल बहुत सारी करवा चुका हूं तो हमें पता होना चाहिए D1 D2 किस में होते हैं। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा होलो शाफ्ट के लिए, किसके लिए, खोखली शाफ्ट दिए, होलो शाफ्ट दिए, तो जो फॉर्मूला होता है वह होता है π/16 आप लोगों ने पढ़ा होगा और टाउ पढ़ा होगा, इनटू इनटू ब्रैकेट के अंदर जो होलो शाफ्ट का फॉर्मूला होता है वह होता है आउटर डायमीटर की पावर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर की पावर 4 अपॉन आउटर डायमीटर, ऐसा होता है। अब इसी को सिंप्लीफाई करके कई बुकों में ऐसा बनाया गया, कैसे, 5/16 इंटू टाउ हो जाएगा। अब यहां पर क्या किया जाता है, जो डी की पावर 4 है, डी 0 की पावर 4, इसको क्या किया जाता है, यहां पर कॉमन ले लिया जाता है और डी 0 को वैसे ही बाहर लिख दिया जाता है। और जो कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, यहां पर देखेंगे तो ये तो बाहर वैसे ही ले लिया, हमारे पास डी
डी जीरो की पावर फोर था माइनस डी वन की पावर डी आई की पावर फोर था इंटरनल डायमीटर। तो नीचे आगे क्या बचेगा, वन बचेगा इसमें, डी जीरो की पावर फोर का भाग जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा डी आई बटे डी जीरो, और इसकी पावर भी फोर है और इसकी पावर भी फोर है। तो इसी को सिंप्लीफाई करके उनने क्या किया, पाई बाई 16 लिख दिया इंटू टाउ की जगह टाउ लिख दिया इंटू ए डी जीरो एक है और इधर कितनी है फोर है, तो एक कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी डी जीरो की पावर थ्री हो जाएगी, और ब्रैकेट के अंदर वन माइनस ये डी आई बटे डी जीरो है क्योंकि दोनों की पावर फोर है, तो हम उनने क्या कर दिया डायरेक्ट के की पावर फोर बना दिया और कह दिया ये इतना सारा लिखने से अच्छा सीधा के लिख दें, और के की वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं इंटरनल डायमीटर अपॉन जो आउटर डायमीटर। ये जो फॉर्मूला है इसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा टी इक्वल टू पाई बाय 16 इनटू टाउ इनटू डी जीरो की पावर थ्री वन माइनस के की पावर फोर, क्योंकि के की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर अच्छे से लिखते हैं वी नो दैट, वी नो दैट पावर पी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एन टी अपॉन 16, क्योंकि हमें पता है पी की वैल्यू दी गई है एन की वैल्यू दी गई है, टी हमें निकालना है क्योंकि अगर इसमें टी निकालेंगे तभी हम इस आउटर डायमीटर को निकाल पाएंगे। तो बस इसको हमें सिंप्लीफाई कर देते हैं, पीच की डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं कितनी दी है 20 इंटू 10 की पावर 3 जो कि यहां से आप देख सकते हैं इक्वल 2 की जगह 2 रख देंगे, पाई की जगह पाई रख देंगे, एन की जगह जो वैल्यू दी है 200 उसको पुट करेंगे, और टी हमें निकालना है तो टी की जगह टी रख देंगे, बटे में क्या कर देंगे 60 कर देंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की जगह 20 रहेगा और 3 जीरो और बढ़ जाएंगे 1 2 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई हमें पाई में करना, पाई का मल्टीप्लाई क्या करेंगे कैलकुलेटर में 2 को मल्टीप्लाई करके पाई में कर देंगे, पाई कैसे आता है शिफ्ट दबा के पाई आता है, फिर इक्वल करके फिर हम 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इक्वल करके जो वैल्यू आएगी उसमें 60 का डिवाइड कर देंगे, तो 60 का डिवाइड करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 20.94 आ गया। अब टी को हमें निकालना है तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर की वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी और 00 हो जाएगा बटे में 20.94 हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग भाग देने के बाद जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 955.10 न्यूटन मीटर, क्या आ जाएगी न्यूटन मीटर आती है, याद रखें क्यों क्यों आती है न्यूटन मीटर, क्योंकि जो पावर की यूनिट है वह क्या है वाट है, वाट क्या होता है जूल पर सेकेंड होता है, सेकेंड को हम चेंज कर देते किसमें मिनट में 60 का डिवाइड करके, तो मिनट बन जाता हुआ है ये रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, यहाँ पर ये रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 60 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि इधर क्या होती है वाट की वाट होती है, वाट इक्वल टू क्या होता है जूल पर सेकंड या फिर क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, याद रखें क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, क्या क्या इक्वल टू जूल पर सेकंड या फिर क्या हो न्यूटन मीटर लिख दें या फिर वाट लिख दें, ये क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि ये पावर हम किस में ले रहे हैं वाट में ले रहा है, बस इतना हमें याद रखना। आगे हम क्या करते हैं टी को हमें सारी वैल्यू किस में ली हमने एमएम में ली है, तो हम इसको भी एमएम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 955.10 इंटू न्यूटन 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन एमएम। एमएम में क्यों किया, क्योंकि सारी वैल्यू हम एमएम में ले रहे हैं। अब यहाँ पर यूनिट वगैरह बताई थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, तो आप भी थोड़ा सा अच्छे समझ लें, यूनिट समझना जरूरी है क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर न्यूटन मीटर लिख देते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखी है पावर लिखा हुआ है, पावर की यूनिट क्या है यहाँ पर वाट लिखी है, वाट हम लोग जानते हैं क्या होता है जूल पर सेकेंड होता है, क्या होता है जूल पर सेकेंड होता है। इधर की यूनिट में हमने क्या किया सिर्फ एन की यूनिट है, एन की यूनिट क्या थी रिवॉल्यूशन पर मिनट थी, तो क्या हो गया इधर मैंने क्या किया इसको सेकेंड में चेंज कर लिया, 60 का डिवाइड करके जो मिनट था उसको हमने सेकेंड में चेंज किया तो ये क्या बन गया सेकंड बन गया। अब यहां से सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाता, हमारे पास क्या बचता सिर्फ जूल बचता, मतलब यहां पर क्या बचा है सिर्फ जूल बचा हुआ है, और जूल इक्वल टू क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, इसलिए हम लोग यहां पर डायरेक्ट क्या करते हैं ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं पी इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60, यहां पर 60 डिवाइड करके हम क्या करते हैं ये जूल में इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वाट जो हमारी पावर की यूनिट क्या है वाट है, वाट क्या होता है जूल पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाता है हमारे पास जूल बचता,
अब ये क्या यहां पर जूल बचा हुआ है, तो जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो न्यूटन मीटर मैंने यहां पर लिख लिया, मीटर हमारा आ गया, तो इसलिए हमने एमएम में चेंज कर लिया। जो भी अभी मैंने बताया था इससे पहले वो थोड़ा सा कंफ्यूजन के चक्कर में जो भी मैंने बता दिया, मुझको भी पता नहीं था मैंने क्या क्या बोल दिया। तो अब यहां से आप समझ गए होंगे कि न्यूटन मीटर क्यों आती यूनिट, और न्यूटन मीटर को फिर हमें न्यूटन एमएम में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सारी सारा जो डाटा हुआ है एमएम में लिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब हमने टॉर्क निकाल लिया, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें लिखना भी पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे बी आल्सो, इसको यहां पर कट कर दें, बी आल्सो नो दैट, बी आल्सो नो दैट लिखना पड़ता है, और हम जानते हैं टी इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम इसी फॉर्मूले को याद करेंगे और इसी का यूज करेंगे। ये जो मैंने बताया हुआ था सब समझने के लिए बताया है कैसे बनता है। तो यहां पर हम लिख देंगे पाई बाय 16 इंटू टाउ आउटर डायमीटर की पावर 3 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के की पावर 4। अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन आना चाहिए, जैसे कि टी की वैल्यू यहां पर दी है, कितनी दी है 955.10 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल पाई बाय 16 इंटू, अब ऊपर देखेंगे तो टाउ की वैल्यू दी गई है, यहां पर देखेंगे 40 रख देंगे हम इंटू, इस वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट ही करना, तो डी के पावर 3 हो जाएगा 1 माइनस। अब के का रेशो दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं कितना दिया 0.5, मतलब 1/2 दिया था। आप उसमें कंफ्यूज ना हो, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, यहां पर क्या रख देंगे हम 0.5 की पावर 4। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि ये जो वैल्यू है उसको हम जैसा है वैसे ही रहने दें, 0.10 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल पाई बाय 16 इंटू 40 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि पाई का मल्टीप्लाई सबसे पहले 40 में करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 16 का हम डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही 7.853, फिर मल्टीप्लाई की जगह इस वैल्यू को जैसा का तैसे रहने दें, डी 0 की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, सबसे पहले क्या करें 0.5 का की पावर 4 रख के जो भी वैल्यू आ रही उसको रख लें, जो वैल्यू आ रही 0.0625। अब हम इसको और एक और स्टेप बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे 955.10 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर 1 में से हम इसको माइनस करेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे, फिर इक्वल दबाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, फिर जो वैल्यू आ रही उसको मैं यहां पर रख लेता हूं, वह वैल्यू आ रही 7.362 इंटू डी आउटर डायमीटर की पावर 3। अब हमें ये डायमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे आउटर डायमीटर की पावर जो 3 है वह इक्वल कर देंगे, इसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, इधर वाली वैल्यू 0.10 इंटू 10 की पावर 3 और बटे में क्या आ जाएगा, जो इधर की वैल्यू आ जाएगी 7.362। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे, तो ऊपर की वैल्यू में नीचे वाली का डिवाइड कर रहे तो कितनी वैल्यू आ रही 1,297.73.768। अब डी की डी 0 की पावर 3 है तो इसकी पावर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर क्या क्यू चढ़ जाएगा, क्या इधर 3 की पावर चढ़ जाएगी रूट के ऊपर, और इस तरह हम इसका पूरी वैल्यू लिख देंगे 1,297.73.768, यहां पर पॉइंट बना हुआ है। अब हम कैलकुलेटर के अंदर जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और जो रूट वाला साइन है वह दबा देंगे, इस तरह का पूरा साइन बन जाएगा 3 चढ़ने के बाद। फिर क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर में जो वैल्यू ए वाला सिंबल लाने के बाद ये वैल्यू टाइप करेंगे और इक्वल का साइन दबाएंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो डायमीटर आ रहा है आउटर डायमीटर वह लगभग आ रहा है 50.62 आ रहा है, और हम डिजाइन में क्या करेंगे पूरा कंसिडर कर लेंगे, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 51 आ जाएगा, 51 हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, ये आउटर डायमीटर आ गया तो इंटरनल डायमीटर भी निकालना है, तो उसको कैसे निकालते हैं उसको भी देख लें। यहां पर क्या दिया, k इक्वल टू दिया 0.5, या फिर बोल सकते हैं di अपॉन d0 दिया इक्वल टू k। तो यहां पर हम लिख देते हैं k इक्वल टू, या नाउ करके अच्छे से लिखना आप, नाउ k इक्वल टू कितना दिया di अपॉन d0 और इक्वल क्या दिया 0.5 बस। अब हमें क्या करना है, di
निकालना है तो डी आई को रहने दें, और डी जीरो इक्वल टू, अभी मैं निकाल चुका हूँ कितना निकाल चुका हूँ, 51 इक्वल टू 0.5 है। अब डी आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 51 इंटू 0.5, और इसको जब निकालेंगे तो डी आई इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो आने चाहिए 25.5 mm। ये हमने डी आई भी निकाल लिया है। उम्मीद है जो इंटरनल डायमीटर 25.5 mm आ गया, आउटर डायमीटर हमारा 51 mm आ गया, इसमें भी mm लगाते हैं। उम्मीद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।